इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है, लेकिन भारत के एक पड़ोसी देश के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस देश में अब भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं और ये इस वक्त सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि यहाँ खाद्य संकट को लेकर आपातकाल लगा दिया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के एक पड़ोसी देश श्रीलंका की। चाइनीज कर्जे में दबे श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था दम तोड़ रही है। रोज के खाने पीने का सामान हद से ज्यादा महंगा हो गया है। हालात ये हैं कि श्रीलंका में तेल, चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूध का पाउडर, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कमी हो जाने के चलते दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। हालात इतने बुरे हैं कि श्रीलंका की सरकार ने अपने टॉप आर्मी ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ जनरल एसेंशियल सर्विसेज के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, जिनका काम जमाखोरी पर लगाम लगाना होगा। अब श्रीलंका की सरकार ने पूरी तरह से जरूरी सामानों पर अपना सीधा नियंत्रण कर लिया है, ताकि बिगड़ते हुए हालातों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। आपको बताएंगे कि आर्थिक आपातकाल क्या होता है और इसका क्या असर पड़ता है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें भी जान लीजिए। श्रीलंका पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने पीने का ज्यादातर सामान आयात करता है। किसी भी सरकार को सामान खरीदने के लिए एक विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत पड़ती है, लेकिन श्रीलंका के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उनके पास इन सब जरूरी सामानों को खरीदने के लिए पैसे की भारी कमी हो गई है। आइए कुछ आंकड़ों से आपको समझाते हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई के अंत तक 2.8 बिलियन डॉलर का था, जबकि नवंबर 2019 में ये विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर का था। श्रीलंका का ज्यादातर विदेशी मुद्रा भंडार उठाए गए भारी लोन की किश्तें चुकाने में जा रहा है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का भी है। यहाँ सबसे खतरे वाली बात यह है कि चीन जब भी किसी देश को लोन देता है तो वो ऐसी शर्तें रख देता है जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो जाता है, और धीरे धीरे वो देश अपने संसाधनों को गिरवी रखने पर मजबूर हो जाता है। आपको बता दें कि चीन की इस चाल में श्रीलंका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस चुका है। यहाँ तक कि अफ्रीका के कई देश भी चीन के आर्थिक गुलाम बन चुके हैं। श्रीलंका अब जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उससे निकलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दूसरे देश ना ही श्रीलंका को उधार दे रहे हैं और ना ही वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण दुनिया की रेटिंग एजेंसीज भी हैं। फिच रेटिंग ने श्रीलंका को CCC श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया है। इसका मतलब है कि इस देश में पैसा डूबने की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत भी पहले से ही श्रीलंका को सॉफ्ट लोन के तौर पर काफी पैसा दे चुका है। अब ले देकर श्रीलंका के पास पैसा जुटाने के लिए केवल चीन ही बचा है, जो पहले से ही श्रीलंका को और फंसाने की फिराक में बैठा था। श्रीलंका के हालात और भी बदतर इसलिए हो गए हैं क्योंकि कोरोना के चलते पर्यटन से आने वाली कमाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। श्रीलंका की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही आता था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आर्थिक आपातकाल होता क्या है। किसी भी देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश में भारी आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। कोई भी सरकार इतना सख्त कदम उठाने को तब मजबूर हो जाती है जब आर्थिक स्थिति बदतर होने की वजह से सरकार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाती है। आने वाले दिनों में श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि चीन पर हद से ज्यादा निर्भर होने के बुरे नतीजे अब सामने आ रहे हैं।